Deep movies or these television shows, are Film City set to be the hub of it? Don't you guys get curious to know what Film City exactly looks like in real? And don't you guys really want to know how does the same temple or the same lake are being shown in several shows in a modified way? Today we've got you something special for you all. We have the stunning lady Monica Khanna touring the lanes of Film City just for all of you out there. Take a look. Hello viewers, aaj main apne set ke bahar khadi hoon jiska naam hai Thapki Pyar Ki aur aaj main aapko फिल्म सिटी की सैर कराऊंगी क्योंकि हमारा सेट जो है वो फिल्म सिटी पे है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जिनको आप बहुत ही ज़्यादा मूवीज़ में डिफरेंट सीरियल्स में देखते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि वो एक ही लोकेशन है जिसको अच्छे से मॉडर्नाइज किया हुआ है। सो आज मैं अपने ही सेट से श्री गणेश करती हूँ और आपको लेकर चलती हूँ बाकी की लोकेशंस पर जो हमारी फिल्म सिटी में सिचुएटेड है। तो आइए चलिए सैर शुरू करते हैं। आप सबको ये चीजें देखने के लिए मेरी गाड़ी में बैठना पड़ेगा, इसलिए प्लीज कम। वही तो हमारी फिल्म सिटी में अब आप एंटर कर चुके हैं और अभी मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रही हूँ जहाँ पे मिस्टर बच्चन ने बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स बोले हैं और उनके डायलॉग्स बहुत ही फेमस भी हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे सवाल किए हैं भगवान जी से कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। तो बस मैं उसी जगह पे आपको लेके जा रही हूँ। कभी कभी आप अगर बोर फील कर रहे हो ना तो आप ऐसी ड्राइविंग ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल ट्रैफिक मिलता नहीं है और यहाँ पे आप बहुत स्मूथ राइड, जिसे बोलते हैं ना लॉन्ग ड्राइव पे, अगर आपको जाना है तो आप फिल्म सिटी ज़रूर आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको गाड़ी चलाने के लिए और थोड़ा सा अपने आप को सुकून जैसी चीज़ें पाने के लिए यू कैन यू नो ड्राइव योर ऑल्सो। देखिए यहाँ पे शूटिंग भी शुरू है, किस चीज़ की है वो मुझे नहीं पता, बस शूटिंग शुरू है। तो हम मंदिर पहुँच चुके हैं, ये ही है वो मंदिर जहाँ पे बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग हुई है, सीरियल्स की शूटिंग हुई है। यहाँ पे रिश्ते बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। तो ये है हमारा एंट्रेंस गेट, हमारा मंदिर। तो ये हमारा मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग हुई है। ये वही मंदिर है जहाँ पे बहुत लोगों की शादियाँ होती है और बहुत सारी मूवीज़ यहाँ पे। अगर आपको याद होगा तो एक मूवी थी दिल, और जिसमें अनुपम खेर जी और जो माधुरी के फादर थे उन्होंने यहाँ पे शूट किया था। और आपने वो सीन भी याद रखा होगा जब वो उनको नकली नोट भिखारियों को देख के जाते हैं और फिर भिखारी उनके पीछे भागते हैं। ये वही जगह है, यहीं से वो भागते हैं और यहाँ से वो जाते हैं। सो आइए चलते हैं, देखते हैं इस मंदिर में और क्या क्या है। इस मंदिर को हम कोई भी मंदिर का नाम दे सकते हैं, चाहे वो माता रानी हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे शिव शंकर हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई आइडल नहीं दिखेगी। यहाँ पे कोई भी एक आइडल नहीं रखी है क्योंकि यहाँ पर आप, ये पूरा शूटिंग का एरिया है और यहाँ पे आप अपनी तरह से जिस भी मंदिर में इनको डेवलप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे यू नो आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ पे तो कितने सारे सीन्स शूट होते हैं। इवन आई रिमेम्बर बच्चन साहब का एक मिस्टर बच्चन साहब का एक डायलॉग है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, आई थिंक वो भी यहीं पर फिल्माया गया है। और जहाँ तक देखा जाए तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है, इसकी लोकेशन बहुत प्यारी है। अगर आप देखेंगे सामने तो हमारी फिल्म सिटी के आपको पहाड़ भी नज़र आएंगे। उस पहाड़ में हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीटिंग करते हैं, कभी कभी हम मनाली भी दिखा देते हैं, कभी कभी हम बहुत सारे यू नो चीट करके शूट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी बहुत सारी शूटिंग्स की हैं। तो ये एक वन ऑफ द मंदिर है जहाँ पर आपको बहुत सारी शूटिंग करने का मौका मिलता है। तो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन कम्प्लीट हो गई है, अभी मैं आपको दूसरी डेस्टिनेशन में लेके जाऊंगी जहाँ पे हमने बहुत सारी शूटिंग की है। वो हमारी फिल्म सिटी का सबसे ब्यूटीफुल जगह है और वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी शूटिंग करके यू नो पूरा वो ऐसी जगह है जहाँ से आप पूरा मुंबई देख सकते हैं। सो चलिए वहाँ पे चलते हैं, वहाँ की सैर करते हैं। बरसात में तो अपना ही अलग मज़ा होता है यहाँ पे घूमने का।
और अगर मुझे मौका मिला कि मैं बारिश में कहाँ घूमना पसंद करूँगी, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे मैं एक लॉन्ग ड्राइव पे जा सकती हूँ, बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ ग्रीनरी एंड बहुत ही खाली रहता है, जहाँ पे आप आराम से अपना सॉन्ग्स लगा के, गाने लगा के, अच्छे से बारिश इंजॉय करके ड्राइव कर सकते हैं। ये मुंबई का ऐसा पार्ट है जहाँ पे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इतनी क्राउडेड, जिसे बोलते हैं कि मुंबई में इतना क्राउड है और इतने लोग हैं कि मुंबई में ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पे आपको एक इंसान नहीं दिखेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो लाइक वेरी यूनिक थिंग इन दिस फिल्म सिटी। बहुत सारे हमारे फाइटिंग सीक्वेंस भी यहाँ हुए हैं, और जहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, जो बर्फी मूवी है, बर्फी मूवी के कुछ सीन्स जो हैं, जो रह गए हैं, जो वो शूट नहीं कर पाए हैं, उन्होंने वो यहाँ पे चीट किए हैं, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो फिल्म सिटी में शूट किए गए हैं, मनाली में नहीं। सो हमारा ये बोल सकते हैं, जब हम शूट करते हैं और कोई चीज़ छूट जाती है, फिल्म हो चाहे टेलीविज़न सीरीज़ हो, तो हम यहाँ पर चीट करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। याद भी नहीं है, पता शूट चल रहा है क्या? कोई अभी आपको पता चलेगा कि मैं किस हेलीपैड की बात कर रही थी। यही है वो हेलीपैड जहाँ से देखिए वो सूरज कितना ब्यूटीफुल लगता है, और यहाँ पे हम एक शूट करते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आप पूरा मुंबई देख सकते हैं, और ये मुझे जगह बहुत 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 पसंद है। आई वुड लव टू कम हियर। कभी कभी ऐसा लगता है कि मुंबई, अगर मुंबई से बाहर आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं और आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिखेगी, इतना खाली एरिया और इतना ब्यूटीफुल एरिया है ये। हालांकि इसको अच्छे से अगर डेवलप करा जाए तो और ज़्यादा निखर के आएगा, बट समवेयर आई लाइक दिस एंड यू कैन सी द सनसेट ऑल्सो। सो ये सनसेट भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। एक्चुअली यहाँ से पूरी आप मुंबई देख सकते हैं अगर हम थोड़ा आगे जाएँ। मैं आगे जा नहीं सकती वरना मैं नीचे गिर जाऊँगी, इसलिए मैं इस सनसेट को, इस सनसेट के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ से ये सनसेट बहुत ब्यूटीफुल लगता है। समवेयर आई रियली लाइक इट। और अब मैं आपको लेके चलूँगी थर्ड लोकेशन पे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है। मुझे मैंने एक्चुअली ख़ुद नहीं देखा है, हमारे कैमरा पर्सन, हमारी जो जर्नलिस्ट हैं उपासना, वो मुझे आज लेके जा रही हैं, क्योंकि मैंने बहुत नाम सुना है कि वो एक लेक है जो आर्टिफिशियल लेक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आर्टिफिशियल है। लाइक वी पीपल आर सो क्रिएटिव दैट वी कैन मेक एनी थिंग ऑन दिस डैम अर्थ, कुछ भी बना सकते हैं हम लोग। सो इसलिए हम लोग अभी वहाँ चलते हैं, और वहाँ चल के हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल लेक कैसी दिखती है। चलिए आइए। तो चलिए अब हम अपनी लास्ट लोकेशन पे चलते हैं, विच इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल लेक। मैं हेलीपैड के बारे में एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमारी फिल्म सिटी का सबसे टॉप एरिया है, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा शूटिंग की है, और यहाँ पे रात को इतनी ठंड हो जाती है आपको लगेगा ही नहीं कि आप मुंबई में हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं होती है। यहाँ पे तो बस एक लॉन्ग ड्राइव आनी चाहिए, गाने लगाओ और अच्छे से ड्राइव करो। तो फाइनली अब हम अपनी तीसरी और आखिरी लोकेशन पे आ गए हैं, विच इज़ दिस आर्टिफिशियल लेक, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं भी पहली बार इस लेक के पास आई हूँ, ऑल थैंक्स टू यू उपासना जी, यहाँ पे तुम मुझे लेकर आई। यहाँ बहुत सारी फिल्म सीरियल का शूट होता है, और अभी भी मुझे पता चला कि यहाँ पे शेर भी पानी पीने आता है। सो इट्स बेटर कि शेर के पानी पीने आने से पहले हम लोग यहाँ पे एक अच्छा सा शूट कर लें और फिर अपने घर जाएं, क्योंकि सही सलामत घर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। So this is this lake. Wow.
बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे मगरमच्छ भी है क्या? आपको कहीं से लगेगा कि ये आर्टिफिशियल है? दिस इज एक्चुअली आर्टिफिशियल लेक नो। आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये आर्टिफिशियल, आपको लगेगा कि यहाँ पे एक्चुअली ये लेक है, बट यहाँ पे ये चीज़ें बनाई गई है। एंड द रिफ्लेक्शन इट्स सो ब्यूटिफुल। हम लोग कोई भी जगह नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल लेक हो, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे झाड़ियों के अंदर के पेड़ पौधे हों। अगर आप हमारे हॉरर शोज़ देखेंगे तो वो सब यहीं की करामात है। जितने भी जंगल हम लोग दिखाते हैं वो यहीं के हैं, क्योंकि मुंबई से बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मुंबई में हमको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, जैसे आर्टिफिशियल लेक विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे एक ये बहुत ही अजीब सा बट वेरी ब्यूटीफुल, अगर आप देखेंगे पत्थर है, ये पत्थरों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी एलिफेंटा केव्स गई नहीं हूँ, बिकॉज यू कैन नॉट फाइंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये बनाई गई है ना ऑब्वियसली, सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फिल्म सिटी के, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्रिएट की है, विच इज़ सो कमेंडेबल। जिसने भी ये आइडिया लिया, जिसने भी आइडिया दिया आर्टिफिशियल लेक बनाने का, वेरी नाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से अपनी फिल्म सिटी के आपको दर्शन कराएंगे और उसके नए पहलू से आपको रूबरू करवाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच इंडिया फोरम्स, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस दिखाई, वरना तो हम अपने सेट में ही बैठे रह जाते हैं और यहाँ चीज़ें घूम नहीं पाते। थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज़ मोनिका खन्ना साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे, बाय। Well guys, if you like this special segment of ours, hit the comments section below and share your views. Upasana Patel, cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hello, this is Monica Khanna and you're watching me on India Forums. Do subscribe on WhatsApp TV.